आपको बता दें उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज का असर दिखने लगा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने यूपी में देवई, नरौरा, सरसवाज, अतरौली और अलीगढ़ में अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच आपको बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में यूपी समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हर दिन ज्यादा सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। फिर देश में सुबह के समय कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी खबर आ रही कि यूपी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर भी दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते यूपी के अलग अलग हिस्सों में ठंड पड़ना ज्यादा शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में अगले कुछ घंटों में आपको बता दें आज से शीतलहर का असर दिखने लगेगा। ऐसे में आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, बुलंदशहर समेत उत्तरी पूर्वी इलाकों में हल्की से भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान है। इसी बीच आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो आपको बता दें एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा जिसके कारण मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल स्तर पर मध्य आकाश पछुआ हवाएं चलेंगी। इस कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मौसम परिवर्तन नजर आएगा। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दो दिनों के बीच बारिश होगी। वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ शीतलहर, लहरों के साथ बर्फबारी की संभावना है। ऐसा एक दो दिनों के बीच होगा। वहीं उत्तराखंड में आपको बता दें कल को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वीडियो के आखिर में चलिए जानते हैं कि किसने दी है ये मौसम की जानकारी। तो आपको बता दें मौसम विभाग में आने वाले कुछ दिनों में देश में कई हिस्सों में मौसम का अपडेट जारी किया है, जिसके तहत आपको बता दें एक दो दिनों के बीच कैसा रहेगा मौसम का हाल, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गुजरात, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश होगी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। ये जानकारी मौसम विभाग के वैज्ञानिक RK जर्मनी ने दी है। इसी बीच अगर ठंड के असर के साथ अगर बात करें कि शीतलहर कब घोषित होगी, तो आपको बता दें दरअसल मैदानी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच जाता है तब शीतलहर घोषित की जाती है। इसके अलावा जब तापमान में 2 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जाती है तब भीषण शीतलहर घोषित की जाती है। वीडियो के अंत में अगर मौसम के पूर्व अनुमान की अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में आपको बता दें आसमान में बादल छाए देखे जा रहे हैं। इनके बरसने के आसार नहीं के बराबर हैं, लेकिन कहीं कहीं छिटपुट वर्षा या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में पूरी तरह मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। यहां वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कई जगहों पर आसमान में बादल दिख रहे हैं जिससे हल्की बारिश होने की संभावना है और वर्षा होते ही सर्दी का प्रभाव बढ़ने लगेगा।